सालों का सूखा खत्म कराया, शर्मा जी ने शतक लगाया। आखिरकार रोहित शर्मा जी ने 509 दिन बाद अपना शतक जड़ ही दिया। बीते कई दिनों से रोहित शर्मा जी पर काफी उंगलियां उठ रही थी, कभी उनके बुरे फॉर्म को लेकर, कभी उनके जल्दी आउट होने को लेकर, कभी उनकी खराब बल्लेबाजी को लेकर। लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी चुप्पी बड़े संयम के साथ साधी रखी और वक्त आने पर अपने बल्ले को जवाब देने के लिए बोल दिया कि लो बल्ला भैया तुम ही जवाब दो, अब हम क्या बोले। जैसे जैसे उनका बल्ला आग उगल रहा था, वैसे वैसे उनके आलोचकों का मुंह में भी ताला लगता जा रहा था। रोहित की काबिलियत को जानते हुए इरफान पठान ने कहा था कि रोहित को सिर्फ खेलने दीजिए, जल्दी वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और उनके बल्ले से शानदार शतक भी निकलेगा। आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में उनकी सेंचुरी आ ही गई। उन्होंने जिस तरीके की रफ्तार से बैटिंग की है और जिस तरीके से उन्होंने 101 रन बनाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अपने खेलने के अंदाज से ही वो हिटमैन रोहित के नाम से जाने जाते हैं। ये रोहित की 30वीं सेंचुरी है। अभी तक रोहित ने 42 अंतरराष्ट्रीय सेंचुरी लगा चुके हैं। वनडे में इनकी सेंचुरी लगभग 2.5 सालों बाद आई है। आखिरी सेंचुरी उन्होंने लगभग 2 सितंबर 2021 को लगाई थी, लेकिन वो शतक टेस्ट मैच के खिलाफ था। वनडे या 2020 मैच में अभी तक उन्होंने कोई शतक नहीं लगाया था। इसी साल भारत में वनडे मैच भी होना है। रोहित शर्मा को अपना फॉर्म सुधारने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि रोहित शर्मा पिछले T20 मैच से तो हट ही गए हैं, बचा उनके पास टेस्ट मैच प्लस वनडे मैच। तो और रही बात इस साल भारत में वनडे मैच भी होना है, तो इस नजरिए से ये बहुत ही अच्छी खबर है कि कैप्टन हिटमैन अपने फॉर्म में वापस आ गए हैं। क्योंकि अगर कैप्टन हिटमैन अपने फॉर्म में वापस नहीं आएंगे तो भारत को अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा और भारत की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि रोहित शर्मा ओपनर बैट्समैन है और ओपन करते हैं, और ओपनर का फॉर्म में अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये थी रोहित शर्मा की काबिलियत की कहानी। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।